जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्लास विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करेंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी क्लास है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के शासकों ने किया था। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित होता है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश शासन करते हैं, जिसमें प्रमुख होते हैं संगम, सालुव, तुलुव और अरावीडु। देखिए, संगम वंश में कुल 7 शासक होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहले क्लास में हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम और हरियर द्वितीय, इनके बारे में देख रखा है। तो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे देवराय प्रथम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, हरियर द्वितीय की जब मृत्यु होती है उसके बाद देवराय प्रथम शासक बनता है। 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। यहाँ पे तथ्य दिया गया, हरियर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए, इससे पहले कि जितने भी शासक थे, जैसे हरियर प्रथम, तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाई बुक्का प्रथम को उत्तराधिकारी बना दिया था। फिर बुक्का प्रथम ने क्या किया, हरियर द्वितीय को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन हरियर द्वितीय की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब राजा कौन बनेगा, इसके लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम वीरूपाक्ष प्रथम, इसके पश्चात बुक्का द्वितीय ने एक एक वर्ष तक शासन किया। देखिए, यहाँ पे वीरूपाक्ष प्रथम, इसका शासन होता है एक वर्ष, और इसके बाद बुक्का द्वितीय, इसका शासन होता है एक वर्ष। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम शासक बनता है, मतलब इस उत्तराधिकार के युद्ध में चीज़ें चलती रहती हैं और 1406 में शासक बनता है देवराय प्रथम। बहमनी शासक फिरोज शाह ने वेलमों एवं रेडियों की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवराय प्रथम पराजित होता है। देखिए, बहमनी शासक होता है फिरोज शाह बहमन, ये क्या करता है, वेलम और रेड्डी, इन दोनों की सहायता लेता है। दक्षिण भारतीय प्रमुख जातियां होती हैं, है ना, मतलब प्रमुख समुदाय होते हैं, और इनसे क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देता है, और इसमें देवराय प्रथम की पराजय होती है। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया तथा बांकापुर दहेज में दिया। देखिए, यहाँ से जब ये परास्त हो जाता है तो फिर क्या करता है, देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है, फिरोज शाह के साथ कर देता है, और दहेज में बांकापुर नामक स्थान इसे दे देता है। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा, सोनार की बेटी का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सोनार की बेटी का युद्ध कब हुआ और किसके बेस में हुआ, तो ये फिरोज शाह बहमन और इसके बाद देवराय प्रथम के बीच में होता है, और यहाँ पर इसे बांकापुर दहेज के रूप में प्राप्त होता है। आगे दिया, 1417 ईस्वी में फिरोज शाह ने देवराय प्रथम के पानागल, जिसे कि नालगोंडा कहते हैं, दुर्ग पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही सेना में घोड़ों के महत्व को समझा। उसने अरब और फ्रांस से घोड़ों को आयात किया। सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने किया था। देखिए, इसके बाद ये बताया गया कि फिर से आक्रमण करते हैं। इसके बाद क्या होता है, देवराय प्रथम को समझ में आता है कमी कहाँ है, वो सेना में घोड़ों के महत्व को समझ जाता है कि भाई घोड़े रहेंगे तो फिर सेना की मजबूत होगी। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, अरब और फ्रांस यहाँ से घोड़ों का आयात करते हैं, मतलब कुछ अरबी घोड़े अपने टुकड़ी में शामिल करते हैं और कुछ फ्रांसीसी घोड़ों को शामिल करते हैं। और इसके बाद इसने सेना को और मजबूत करने के लिए मुसलमानों की भी भर्ती प्रारंभ कर दी। देखिए, यहाँ पे बात मुसलमानों या फिर हिंदुओं की नहीं, सेना मजबूत होनी चाहिए, उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए इसने क्या किया, मुसलमानों की भी भर्ती चालू कर दी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया,
उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया तथा विजयनगर की किलेबंदी करवाई। अब आक्रमण से बचने के लिए और साथ ही साथ जनता की सुख सुविधा के लिए, मतलब जनता को सामान्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, तुंगभद्रा नदी पर ये 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि विजयनगर की किलेबंदी करवा देते हैं। किलेबंदी होने से विजयनगर एक प्रकार से सुरक्षित हो जाएगी और जो बाह्य आक्रमण या फिर जितने भी आक्रमण है इनसे आसानी से सुरक्षा हो पाएगा। आगे यहाँ पर दिए हरिविलास के लेखक तेलुगु कवि श्रीनाथ, तो यहाँ से सीधा सीधा याद रखना है कि हरिविलास, इस ग्रंथ की रचना किसने किया है, ग्रंथ की रचना किया है श्रीनाथ, उसके दरबारी कवि थे, अर्थात श्रीनाथ देवराय प्रथम के दरबार में रहा करते थे। देवराय प्रथम मुक्ता सभागार में विद्वान व्यक्तियों को सम्मानित करता था। देवराय प्रथम धार्मिक दृष्टि से शैव था और पंपा देवी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध था। ये एक शैव था। देखिए जितने भी आपने मतलब संगम वंश के शासक है इसमें सब शैव है सिवाय एक शासक को छोड़ के जो कि वैष्णव था। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा शासक वैष्णव होता है। और पंपा देवी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है, मतलब 1422 यहाँ पर क्या होता है, देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई और इसका शासनकाल समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र इसका उत्तराधिकारी हुआ। 1422 ईस्वी में रामचंद्र ने 6 माह हेतु विजयनगर का शासक बना था। मतलब रामचंद्र का शासनकाल बहुत छोटा होता है, सिर्फ 6 माह का शासन होता है। उसके बाद विजय प्रथम शासक बनता है जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए रामचंद्र के बाद कौन शासक बनता है विजय भूपति, जिसे कि विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में भी जाना जाता है। उसने भी मात्र 6 माह तक शासन किया और इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, देवराय द्वितीय का शासन शुरू होता है। ये शासन चलता है 1422 से लेकर 1446 तक। यहाँ पर दिया है गज बेटर बेटर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बना है कि गज बेटर ये किसकी शिकारी उपाधि होती है, तो ये होता है देवराय द्वितीय की उपाधि। इसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। इमादी देवराय, आदि देवराय द्वितीय की उपाधि है। इमादी देवराय ये भी प्रश्न बनता है कि ये किसकी उपाधि है, तो ये उपाधि है देवराय द्वितीय की। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। सामान्य जनता देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैविक शासक इंद्र का अवतार मानते थे। मतलब जो जनता है ना इसे इंद्र का अवतार मानती थी। आगे यहाँ पर दिया महासुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र देवराय द्वितीय की रचनाएं। इसने कुछ रचनाएं भी की है, तो इसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी, महासुधा निधि, ये रचना किसके द्वारा किया गया, देवराय द्वितीय के द्वारा। और ब्रह्मसूत्र ये भी किसकी रचना है, देवराय द्वितीय के, इन्होंने रचना किया है। देवराय द्वितीय और बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद से 1435 और 1443 में 2 बार संघर्ष। तो मतलब देखिए अलाउद्दीन बहमन ये, और ये बहमनी वंश का शासक होता है, और देवराय द्वितीय जो कि संगम वंश के शासक होते हैं, इन दोनों के बीच में 2 बार युद्ध होता है। एक युद्ध होता है 1435 में और एक युद्ध होता है 1443 में। अलाउद्दीन बहमन ने देवराय द्वितीय से रायचूर दुआब में स्थित मुगदुल दुर्ग छीन लिया था। देखिए जो मुगदुल दुर्ग है ये हार जाते हैं, कौन हार जाते हैं, देवराय द्वितीय। आगे दिया दोस्तों देवराय द्वितीय ने सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई। उसने मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दी। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान किया और उसका कड़िकाभिषेक मतलब स्वर्ण वर्षा करवाया था। देखिए ये देवराय द्वितीय ये मतलब एक तरीके से समझिए धर्म निरपेक्ष है, क्योंकि इन्होंने कुरान की प्रति रखवाई थी अपने दरबार में, और साथ ही साथ मुसलमानों को ये भी कहते हैं कि आप मस्जिद निर्माण करा सकते हो, उसकी आज़ादी दी जाती है। अब श्रीनाथ जो कि पीछे आपने देखा था हरियर देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे, इन्होंने कवि सार्वभौम की उपाधि दी और इनका कड़िकाभिषेक भी करवाया। विट्ठल स्वामी
विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माण की शुरुआत देवराय द्वितीय ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विट्ठल स्वामी मंदिर, इसके निर्माण की शुरुआत किसने किया? देवराय द्वितीय ने किया था। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई, उसके बाद विजय द्वितीय 1446 में शासक बना और इसने लगभग एक वर्ष तक शासन किया था। अब विजय द्वितीय के बाद अगला नंबर आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का जो शासन काल होता है 1446 से लेकर 1465 तक होता है। मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति गजवेटकर है ना की उपाधि धारण की थी। मल्लिकार्जुन के समय बहमनी सुल्तान ने वेलमो की राजधानी राजकुंडा पर अधिकार कर लिया था। कपिलेंद्र ने मल्लिकार्जुन से कुंडविडु एवं उदयगिरी के दुर्गों को छीन लिया था। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि मल्लिकार्जुन ये देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। मल्लिकार्जुन का समसामयिक नाटककार गंगादास था। 1465 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी वीरूपाक्ष द्वितीय बनता है। वीरूपाक्ष द्वितीय ये अंतिम शासक होता है संगम वंश का। यहाँ पर दिया दोस्तों वीरूपाक्ष द्वितीय। वीरूपाक्ष द्वितीय के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक है ना या था। ये 1465 से लेकर 1485 तक शासन करता है। मतलब यहाँ पे जो संगम वंश है आप देख सकते हैं 1336 में इसकी शुरुआत होती है और 1485 में इसकी समाप्ति हो जाती है। इसका समकालीन बहमनी शासक मोहम्मद खां तृतीय था। मोहम्मद खां के प्रसिद्ध मंत्री महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा चौल और डभोल बंदरगाह जीत लिया। मतलब वीरूपाक्ष द्वितीय गोवा हार जाता है, चौल हार जाता है, डबोल बंदरगाह हार जाता है। वीरूपाक्ष द्वितीय को उसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी गई थी। मतलब वीरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसका पुत्र स्वयं कर देता है। अब यहाँ से जो संगम वंश है ये समाप्त हो जाता है। संगम वंश के बाद अगले वंश की स्थापना होती है सालु वंश। एक छोटा सा वंश है, मात्र 20 वर्ष की अवधि है ना, 1485 से 1505 तक। देखिए इसमें जो प्रमुख इसका शासक है जो इसकी स्थापना करता है ये सालु नरसिंह करता है। 1485 से 1490 तक इसका शासन होता है। सालु वंश का संस्थापक सालु नरसिंह था है ना। सालु नरसिंह सालु वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। सालु नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर अधिकार किया, उसने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया और 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में एक लाइन में डेटा दिया है। अच्छा दोस्तों ये चीज़ समझिएगा कि जो भी डेटा आप पढ़ रहे हैं ना ये एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ऐसा नहीं कि आपको इसमें पीएचडी करनी है, एकदम भरपूर नॉलेज प्राप्त करना है, बस आपको इतना सीखना है ना कि जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाए और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बस ये चीज़ सीखना है। तो सालु वंश की स्थापना सालु नरसिंह ने किया है ना। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके दो पुत्र है ना, तिम्मा और इमाडी नरसिंह। उसकी मृत्यु के समय दोनों पुत्र अल्पायु थे, अतः सालु नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक उनका संरक्षक बना। देखिए जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके दोनों पुत्र अल्पायु थे, मतलब तिम्मा और इमाडी नरसिंह दोनों अल्पायु थे, तो नरसा नायक जो कि इसका सेनापति होते हैं इनका संरक्षक बनता है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर वंश में परिवर्तन कर दिया। अब नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्या करता है कि जो सालु वंश का अंतिम शासक होता है इमाडी नरसिंह इसकी हत्या कर देता और यहाँ से सालु वंश समाप्त हो जाती है। द्वितीय बला प्रहार द्वारा सालु वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना होती है। अब यहाँ पे सालु वंश समाप्त हो गया। देखो इसमें आपको सिर्फ दो तथ्य याद रखना है। पहला तथ्य जो सालु वंश है इसकी स्थापना वीर नरसिंह करते हैं और जो अंतिम शासक होता है इमाडी नरसिंह होता है। इसके बाद अब यहाँ पर तुलु वंश के बारे में बताया जा रहा है। देखिए तुलु वंश की शुरुआत हम लोग अगली क्लास में करेंगे और एक एक करके समझेंगे। ये भी एक छोटा सा ही राजवंश, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हैं है ना। यहाँ पे दो शासकों के बारे में विस्तार से बताया गया। तो दोस्तों ये क्लास रही एक छोटी सी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी पीसीएस की, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भाई जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है, अप्रॉक्सीमेट 30 दिन का समय बचा है आपके पास। तो इन 30 दिनों में आपको तैयारी पता है क्या करना है, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपने जितना भी पढ़ लिया ना बस उसका आपको टेस्ट लगाना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर अटके हैं, कौन सी कमी है, ये आप क्लियर कर पाए कि एग्जाम में किस चीज़ों को कैसे हल करने। तो टेस्ट कहाँ से देना है, देखिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के टेस्ट कोर्स को ज्वाइन कर ले रहे हैं जिसमें आपको 44 टेस्ट मिलेंगे। देखिए 44 टेस्ट है और आप इसे मल्टीपल टाइम अटेंड कर सकते हैं। अभी आपके पास 30 दिन है, अगर आप
डेली एक एक टेस्ट, दो दो टेस्ट लगाएंगे ना, मतलब ऐसे समझिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको डेली दो दो टेस्ट अटेंड करना है। एक आप सुबह के टाइम कर लीजिए, शाम के टाइम कर लीजिए, और उसका एनालिसिस कीजिए, और जो चीज़ याद करने लायक है वहाँ से याद कीजिए। 100% दोस्तों आप PCS का प्री निकाल लेंगे, चाहे पेपर का लेवल जो रहे, है ना। तो इस टेस्ट को ज़रूर परचेस कीजिएगा, और इसके बारे में भी जानकारी आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।